और इतनी वहां पर ऑक्सीजन की कमी थी और दलदल था, सफोकेशन था कि लोगों ने कहा था महाराज इस बार कुछ नई गुफा में जाओगे। मेरा नई गुफा में जाने की हिम्मत ही नहीं। और जिस गुफा में पिछले साल वो नागराज टकराया था, पिछले साल तो मेरा अनजाने में चला गया था, और मैंने कहा कि इस बार गया और कहीं मामला बिगड़ गया तो बड़ी परेशानी में पड़ जाएगा। जिस तलघर में वो मुझे मिला था उस तलघर की तरफ मैंने झांका भी नहीं, गया भी। अब चाहे तुम कहो कि महाराज डर गए, चाहे कुछ भी कहो, क्योंकि किसी चीज को अपन को वहीं तक जाना चाहिए जहां तक मर्यादा है। जब पिछली बार उन्होंने मुझे नकार दिया था कि यहां आने की चेष्टा मत कर, आपको जो चीज चाहिए है वो निराबाद रूप से खुली हुई, आपको जो दर्शन कराना है वो निराबाद खुले हुए, और जहां पर मेरा स्थान है या मेरा है वहां आपकी जरूरत क्या है। तो पिछली बार की हिदायत के कारण से इस बार उस जनगर की तरफ मैं गया ही, क्योंकि जाना अपने आप में एक निश्चित मूल्य है। जैसे ही आपको मालूम 2-3 घंटे लग गए, कितने बजे प्रवेश कर गया था, 6:30-7 के लगभग प्रवेश गया था और शायद 9:30। लेकिन इस बार एक नई चीज लाया तो अभी ऊपर शायद नहीं आ रहा है, वहां रखे हुए बहुत पुराने यंत्र थे, उन यंत्रों को लेकर जरूर आया। कम से कम 25-50 यंत्र होंगे मैंने गिने हैं, और वो यंत्रों को लेकर के जरूर मैं आया हूँ। और वो यंत्रों की ऐसी देख करके आप देखेंगे बहुत बड़ा यंत्र वहां पर मिले, और ये यंत्र 25 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, मैंने गिने नहीं तो उठा के ले आया। और ये ग्रंथ, ये हमें यंत्र वहां पर साथ नए रूप में मैं लाया हूँ, रखे हुए थे वहां पर। पिछली बार तो मैं उनको लाया नहीं था देख करके, इस बार उन्होंने कहा कि चलो इन यंत्रों को लेकर के चलते हैं और यंत्रों को हमें पढ़ूंगा देखूंगा, ना जाने इस यंत्रों में क्या लिखा है और क्या वसीयत मिल जाए मैं कह नहीं सकता। क्योंकि पहले के लोग ऐसे कामरों पर मंदिरों के इतिहास लिख जाते थे, मंदिरों के रहस्य लिख जाते थे। हो सकता है कि सामने मंदिर के सातों मंदिर का रहस्य इन यंत्रों में लिखा हुआ मिल जाए, क्योंकि इन यंत्रों के अंदर प्रशस्तियां होती है। न जाने हो सकता है आमेर का कोई किले का खजाना इन यंत्रों में मिल जाए, हो सकता है इस यंत्रों में संगी मंदिर के अंदर का कोई खजाने की प्रशस्ति इसमें लिखी मिल जाए, हो सकता है। क्योंकि मैंने थोड़ा एक सत्य निवास से देखा है, हर शिलालेख को कुछ ना कुछ शिलालेख अंकित है, और उन शिलालेखों में क्या लिखा है क्या संकेत मिलेगा मैं इसको पढ़ने के बाद देखने के बाद ही बता सकूंगा। लेकिन बहुत प्राचीन यंत्र है, बहुत प्राचीन, कई प्राचीन यंत्र तो बहुत जर्जरित अवस्था में है, उठाते ही डर लग रहा था कहीं गिर नहीं गया, इतने प्राचीन यंत्र है। इनके संबंध में अपन देखेंगे आज अपने सत्य और भाग्य हैं। बहुत धन्यवाद, मैं तो अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ कि तीसरी बार मुझे भगवान को ला करके अपने जनता को दर्शन दिया। सामने की सबसे बड़ी गुफा का रहस्य जाने के लिए काफी कुछ जाते, तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो आप सामने के ऊपर बैठे आदिनाथ भगवान के विश्वास पात्र बनो। लोग यहाँ अभिषेक करने, लोग साधु निकालने के भाव करते हैं दादागिरी से, गुंडागिरी से, कमेटी को धमकी दे करके, इसलिए वो कभी नहीं निकालता है। और कोई दादागिरी गुंडागिरी से अंदर जाएगा तो मेरा विश्वास है वो कभी लौट करके नहीं आ पाएगा। बहुत खतरनाक गुफा है, बहुत खतरनाक, मां श्रद्धा और भक्ति ही यहाँ ऊपर तक ला सकती है। जब मैं बाहर निकला तो आप महाराज से पूछो मेरी दशा ऐसे थी जैसे कोई को सबसे लास्ट में किस पर रखते हैं, वेंटिलेटर पर रखते थे, वेंटिलेटर पर रखे हुए थे और महाराज लोग मुझे सांस दे रहे थे,
बहरहाल लोग मुझे किसी प्रकार से उपचार के द्वारा मुझे पुनः होश में ला रहे हैं। एकदम आते ही मुझे खबर नहीं है कि मैं आकर किस तरीके से बाहर आकर के दरवाजे पर बैठ गए। मैं मेरी चेतना सुन्न हो गई, मेरा मस्तिष्क सुन्न हो गया, मेरी श्वासों की स्थिति क्या थी ये तो महाराज लोग जाने। महाराज लोगों ने पकड़ करके मुझे सहलाया और फिर मैं आज अपनी चेतना में आकर तुम्हारे बीच में आ गया। इसलिए मेरा सारी जनता से सारी संतों से कहना है कि हर व्यक्ति की उम्र होती है, मेरी भी उम्र भर रही है, पता नहीं कब क्या हो जाए। बेटे को भी तिजोरी की चाबी नहीं देता, बेटे को भी तिजोरी की चाबी नहीं देता। तो आपको आदिनाथ का बेटा ही नहीं बनना है, आपको आदिनाथ का विश्वसनीय बनना है। दूसरा विश्वास आपको दिलाना है कमेटी के लिए, तो कमेटी को इतना विश्वास हो जाए कि शादी मर सकता है लेकिन मेरी गुफा को दुनिया के सामने नंगा नहीं कर सकता, मेरी गुफा के रहस्यों को उजागर नहीं कर सकता, मर सकता है। मेरी गुफा के जो अलौकिक शक्तियां हैं वो उज्ज्वल शांति सागर महाराज के द्वारा कथित है, उन सूत्रों का उल्लंघन नहीं कर सकता वो विश्वास पात्र व्यक्ति अपना करे। तीसरा व्यक्ति जो अपनी साधना में निपुण हो, जिसको अपनी साधना पर विश्वास हो, जिसने ईमानदारी से अपनी साधना की हो और जिन्होंने कई दिनों से लगभग 10-12 दिन से हम पूरा संघ साधना रखते, तपस्या रखते, मंत्रों की आराधना कर रहे थे। पिछली बात मुझे अकेले करना पड़ा, इस बात महाराज लोगों को भी मंत्र की आराधना में शामिल किया। निरंतर लाखों मंत्रों के जाप करने के बाद और कई घंटों तक गुफा के बाहर ध्यान करने के बाद ही मैंने गुफा में प्रवेश किया और उस गुफा में प्रवेश करने के लिए ये सारी चीजें बहुत आस्था के केंद्र हैं। हर व्यक्ति से मेरा कहना है आप लोग एक भी ऐसा दिगंबर जैनी न बचे कि 7 दिन में अभिषेक किए बिना रह जाए जो जिंदा है, क्योंकि ये सौभाग्य मिलने वाला नहीं। धन दौलत तो आता है चला जाता है, तो हाथ का मैल, लेकिन इतने निकट आकर के यदि तुमने स्वास्थ्य पाई है, तुमने इतना पुण्य पाया है कि 2017 में 19 तारीख को तुम जिंदा हो, ना जाने तुम्हारे कितने साथी, लेकिन तुम भाग्यवान हो कि तुम आज भी जिंदा हो। और हो सकता है कि आज तुम्हारी जो स्वास्थ्य मिली थी, तुम्हारे पुण्य ने कहा तुम्हें मैं जिंदा रखूंगा उस दिन तक जिस दिन तक भूगर्भ के चैत्य आएगा तुम्हारी आंखों को दर्शन। इसलिए जो अजय लोग हैं वे अपनी आंखों को तृप्त करें, हाथ जोड़ करके तृप्त करें, और जो जैनी हैं वे भगवान का अभिषेक करके गंगो तक लेकर के अपने आप को संतुष्ट करें, जीवन को धन्य करें। आज बहुत बड़ा जो लोग मस्तिष्क पर भगवान जी ला रहे थे उनके आनंद का पार नहीं। एक ऐसा नास्तिक व्यक्ति आस्तिक बन गया है, परम शुद्ध नास्तिक, बिल्कुल शुद्ध, सदा धर्म के प्रति धर्म के प्रभुगंडा पर विश्वास नहीं रखता, लेकिन आज वो नास्तिक भी आस्तिक बन गया, जिसका नाम है विवेक काला अशोक जी का भाई। हाँ, और आज उसके मन में इतना लाद आया, मैंने एक क्या बात है खाली हाथ हो गए, बोले आज मैं खुश हूँ, जो देना है वो सब कुछ बोल दो, आज मेरे आत्मा को बहुत आनंद आया। बहुत बड़ी बात होती है एक आस्था के रूप में परिणत हो जाए, और आज अभी पहला कलश शांति धारा अभी हार के मार्वत, और आज तो एक सबसे बड़ा अतिशय है कि कंवरी लाल जी अशोक और सुरेश और विमल के किसी कार्यक्रम में कभी हाथ नहीं बताए, कभी हाथ नहीं बताते, ये इतने छोटे हैं। लेकिन कंवरी लाल को तो मालूम था ये महोत्सव छोकरों का थोड़ी है, ये महोत्सव तो मेरे गुरु का है, इसलिए सबसे आगे आकर के उन्होंने मुक्ति के लिए अपना हाथ लगा करके अपने जीवन के व्रत अवस्था में ये अवहाग प्राप्त किया है। ज्यादा समय नहीं लेकर के, क्योंकि
परिवार, बाकी परिवार के अलावा कोई लोग नहीं रहेंगे साथ में। धन्यवाद।